अस्सलामुअलैकुम तजीन्स किचन्स में वेलकम। आज हम दही की कढ़ी बना रहे हैं। दही की कढ़ी में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। दही हमारे पास है 750 ग्राम सही है। इसके अलावा 3 स्पून जो है वो बेसन है हमारे पास। इसमें हम साबुत प्याज जो है वो अंडे की तरह काट के डालेंगे, कड़ी लीव्स डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो अदरक लहसुन गर्म मसाला नमक ज़ीरा हरा धनिया यहाँ पे जो है हल्दी और हरी मिर्च मैंने कम से कम ली है तकरीबन 12-15 हरी मिर्च होंगी। ठीक है, मैं हरी मिर्च पर बनाती हूँ उस वजह से। ठीक है, अब हम इसको सबको ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको चढ़ा के फिर हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर मैं प्रोसेस बताती हूँ आपको। सही है, दही की कढ़ी की रेसिपी आज मैं आप शेयर करती हूँ आपसे। और सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, दही और बेसन और हरी मिर्चें हल्दी ज़ीरा नमक अदरक लहसुन वो सब जो था वो सब मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ये सब ग्राइंड कर लिया मैंने। अब मैं इसमें जो है कम से कम 8 ग्लास पानी डाल दूँगी। ठीक है, इसमें पानी डाल दूँगी। ठीक है, ये देखें 8 ग्लास मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। सही है, अच्छा इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्च और कड़ी लीव्स थे ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको पकने देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, हम इसको 1.5 से 2 घंटे पकने देंगे। इसमें पानी वैसे और जाएगा, अभी मैं 4 ग्लास पानी और डालूंगी इसके अंदर। नमक मैंने भी थोड़ा ऐड किया है, 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 2 टेबल स्पून बाद में जब ये पकने लगी ना तो उसको हम टेस्ट करके नमक हम दोबारा ऐड कर लेंगे। बस अब ये पकती रहेगी। ठीक है, ये पकती रहेगी कम से कम 1.5 से 2 घंटे। जब पकने के बाद फिर मैं आपको बेसन में जो जो चीज़ें पकौड़ों के लिए जो बेसन चाहिए उसकी रेसिपी फिर आपको ऐड करवाऊंगी। उसके बाद फिर मैं फाइनल दिखाऊंगी आपको। सही, हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। तो हम बेसन को जो है बेसन पकौड़ों का जो बेसन है ये मैंने तकरीबन लिया है 1 पाव से 1.5 पाव तक का। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने पकौड़े आपको चाहिए। वैसे मुझे थोड़े मतलब कम ज़्यादा पकौड़े अच्छे नहीं लगते क्योंकि पकौड़े पी लेते हैं कढ़ी को। ठीक है, तो ये मैंने बेसन लिया है 1 से 1.5 पाव। ठीक है, इसमें आप जो चीज़ें डालूँगी वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, इसमें हरा धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, इसमें चाट मसाला जाएगा, हल्दी जाएगी 1/2 टी स्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी, सब धनिया जाएगा और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने वो डाल दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और इसमें मैंने बेकिंग सोडा होता है ना वो डाल दिया था इसमें। ठीक है, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा नहीं वो मीठा सोडा जिसे कहते हैं, हाँ बेकिंग सोडा ही होता है। अब हम इसको मिक्स करके उसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम वो कर देंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा वो घोल के मतलब बेसन को घोल के हम रख देंगे पकौड़ों का। ठीक है, बेसन की हमने कंटेंसिटी जो रखी है ना वो ये रखी है। ठीक है, हम इससे ज़्यादा नहीं घोलेंगे। अब इसको घोल के हम कवर करके रख देंगे। फिर मैं इसके छोटे छोटे से पकौड़े तल लूँगी। ठीक है, पकौड़े बना के उसको तल लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। ठीक है, ये मैं इसको कवर करके रख दिया है। अच्छा, ये देखिए हमारे कढ़ी की फाइनल लुक ये है। अब मैं पकोड़े इसमें तल के डालती रहूँगी। अच्छा, पकोड़ों को आपने ये करना है कि पकोड़े तलने के बाद थोड़ी देर रख दीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। एकदम से गरम गरम पकोड़े उसमें ऐड मत कीजिएगा क्योंकि कढ़ी में फिर वो जाके ना थोड़े से वो हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो आपने पकोड़ों को तल के रख लेना है, उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, अब मैं पकोड़े तल के आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं पकौड़े दिखाती हूँ आपको तल के। ठीक है, दर्जे के पकौड़े बना लिए। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया 2 मिनट के लिए। अब मैं इसको कढ़ी में ऐड करूँगी। ठीक है, ये हमारी कढ़ी है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसी तरह सारे पकौड़े बना लूँगी। ठीक है जनाब, हमारी फाइनल लुक कढ़ी तैयार है। ठीक है, इसमें मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है ऊपर से। सही है, और बघार डाल दिया था, उसके बाद ये लुक आया है हमारी कढ़ी का। ठीक है, इसको एंजॉय कीजिए राइस के साथ या रोटी के साथ। मैसी आपको जिसके साथ भी आपने एंजॉय करना है आप राइस के साथ एंजॉय कीजिए, कैसे भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलें एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तजीन्स किचन को। दही बेसन की कढ़ी जो है वो तैयार है। ठीक है, और बहुत यमी रेसिपी बनती है इस तरह की, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।